हेलो और स्वागत है आप सभी के गेम चेंजेस में। आज का ट्रेडिंग डे बहुत टफ था, बहुत साइड मार्केट अप डाउन कर रहा था। तो मोस्टली हमारी 3 डेट्स कल की जो प्रीवियस थी वो तो एग्जीक्यूशन ही नहीं थी एज पर ट्रेड। अगर हम चेक करें तो रिलायंस एग्जीक्यूशन लास्ट टाइम में दिया था, लेकिन टारगेट 1404 तक ही जा पाया, एग्जैक्ट टारगेट हिट नहीं कर पाया। UPL करेक्ट एग्जीक्यूशन दिया, लेकिन 593 समथिंग उसने लो बनाया था, तो करेक्ट टारगेट वो भी नहीं दे पाए। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए, ये हमारे लिए सेफ रहा कि हम सेफ साइड रहे। ICICI बैंक एग्जीक्यूशन नहीं दिया और उसके बाद बम्पर भागा, एंड डाबर भी एग्जीक्यूशन बिल्कुल नहीं दिया और थोड़ा से माइनर पॉइंट से एग्जीक्यूशन रह गया था, लेकिन रह गया था तो रह गया था और वो भी बम्पर भागा। ये SDIR तो बहुत ही ज़्यादा दूर था हमारे एग्जीक्यूशन लेवल से, तो बहुत ही अनिश्चितताओं वाला दिन था। ज़्यादा प्रॉफिट हम बना नहीं पाए, 2-3 डेट एग्जीक्यूट हुई और मैं पूरा क्रेडिट नहीं लूंगा कि रिलायंस में पूरे 7 पॉइंट्स हमने बुक करे, साथ में हमने 5 भी बुक करेंगे तो 800-900 तो हमारे पास रिलायंस से आया होगा। और UPL भी हमने 4 पॉइंट्स में 3 भी बुक करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट 500 तो UPL से आया होगा। जील बहुत ही करेक्ट एग्जीक्यूशन दिया 4 पर, पर्सनली मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। मेरे पास 2 लॉट हैं, 2600 क्वांटिटी में इसकी होल्ड कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 5 ये 1 पॉइंट का गेन इसने दिया ऑलमोस्ट। अगर आपने होल्ड नहीं किया वो देख रहा है तो आपको मिला होगा, अगर होल्ड किया होगा तो आगे देखते हैं क्या होता है कल। एंड आज के ट्रेड तक शुरू करें तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ 588.35, मॉर्निंग में ओपन हुआ हाई, थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हुआ, थोड़ा सा हाई किया, गेन किया, अगेन नीचे डाउन आ गया, फिर यही पूरा दिन चलता रहा। बैंक निफ्टी सपोर्टेड था, बैंक निफ्टी में काफ़ी अपसाइड आपने मूवमेंट देखा होगा, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा इन्फोसिस की वजह से पैनिक में था। तो मुझे लग रहा है कि पैनिक सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी। एज पर चार्ट अगर देखा जाए तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेल साइड ब्रेकडाउन एक देखा गया है सारे चार्ट में, और वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन देखा गया है और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ट्रेड डिजाइन की हुई है और एज पर ट्रेंड अगर हमारा साथ दिया तो हम उसके साथ जाएंगे, ट्रेड के साथ ट्रेड करेंगे। और कल जो आज का मार्केट गया है उसके लिए मैंने आपको पहले ही इंटीमेट कर दिया था कि मार्केट अनसर्टेन रहेगा, थोड़ा ट्रेड ठीक से करना है, क्वांटिटी कम लेना है और हम प्रिपेयर थे और वैसा ही हुआ। सो कल के लिए हम बम्पर रेडी हैं, बहुत अच्छे से प्रॉफिट बनाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रेड के साथ। फर्स्ट ट्रेड है हमारे पास अपोलो टायर्स को सेल करना है 184.40 के नीचे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 180, सेकंड टारगेट 179 भी देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 188.60, क्वांटिटी आप मैक्सिमम 400 ट्रेड कर सकते हैं। अपोलो टायर से बस चार्ट पे देखने से पहले मैं निफ्टी को आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 30 मिनट्स के सारे फ्रेम्स में आपको दिखाऊंगा। अभी आप करंटली देख सकते हैं 1 आवर का ही टाइम फ्रेम है, बहुत ही एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन्स आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन दिया है बॉटम साइड में। लेकिन 1 आवर पे थोड़ा सा कंसिडरेशन ये है कि अभी हमें एक कैंडल और चाहिए होगा इसको कंफर्मेशन के लिए। तो अगर हम इसको 30 मिनट्स में चेंज कर दें तो सेम ट्रेंड लाइन, सेम पैटर्न को, सेम बॉक्स को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यूस देख सकते हैं कि हैवी सेल वॉल्यूम के साथ, आप ब्लू कैंडल यहाँ देख सकते हैं, हैवी सेल वॉल्यूम के साथ निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया है। तो चांसेस हैं कि मार्केट नीचे ही ओपन होगा, और नीचे ओपन होता है अगर 540 के लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जो निफ्टी को 200 मूविंग एवरेज 390 के लेवल तक लेके जा सकती है, क्योंकि इसी लेवल पे इसका प्रीवियस सपोर्ट भी है। आप इसको जरूर फाइंड कर सकते हैं, आपको प्रीवियस लेवल पे इसका सपोर्ट 200 MA लाइन के आसपास ही मिल जाएगा। मैं फ्रेम थोड़ा सा और आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा ब्रॉडर फ्रेम देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर दिया है निफ्टी ने, एंड 200 MA को ब्रेक कर चुका है जो कि डबल कंफर्मेशन है 5 मिनट्स चार्ट पे। लेकिन 5 मिनट्स चार्ट को लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा कंफर्मेशन दे नहीं सकते, तो इसलिए हम अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम देखें तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से 3 आवर्स टाइम फ्रेम में निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया है और ऑलमोस्ट ट्रेंड बॉटम ट्रेंड लाइन पे आ गया है। बस कुछ पॉइंट्स का और देरी है इसको नीचे जाने के लिए और फिर बहुत ज्यादा पैनिक देखा जा सकता है कल मार्केट में। लेकिन 380 का लेवल में भी टेस्ट कर सकता है 2 डेज में, बट एक्सपायरी एड है, इलेक्शन एड है, ब्रैकेट के आउटकम्स आने बाकी है, तो बहुत पैनिक मार्केट रहने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। चलिए शुरू करते हैं अपने अपोलो टायर्स को, हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। अडा बॉक्सेस ट्रेड किया है, लेकिन जो लास्ट टाइम का सेल वॉल्यूम आप 15 मिनट्स में देख सकते हैं, क्लोजिंग के पहले थोड़ा ज्यादा हो गया है,
इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ब्रेक करके 184.40 के नीचे अगर अपोलो टायर्स ट्रेड करने लगता है, हम इसको सेल साइड एग्जीक्यूशन देने वाले हैं एंड डेफिनेटली हमको बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। 177 तक मुझे इसका टारगेट दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में 2 आवर्स में देखें तो काफ़ी अच्छी सेलिंग क्लोजिंग टाइम पे आपको देखने के लिए मिल सकती है और क्लियर। ये आप अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको ब्रेकआउट ये दे चुका है, तो मोस्टली अपना लास्ट सपोर्ट लेवल जो है 180 का 181 का, वहाँ तक इसको जाने के पूरे चांसेज हैं। एंड अगर आप इंडिकेटर्स के साथ जाएं, एडी लाइन डेफिनेटली शो कर रही है आपको कि सेल जाइए। RSI 68 है लेकिन 75 से नीचे है, मे बी RSI में थोड़ा सा मूवमेंट देखा जा सकता है अगर आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा श्रिंक करें तो। 15 मिनट में 49 RSI शो कर रहा है एंड ADX का लेवल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, 18 और 19 दोनों ही रेड लाइन नेगेटिव एडी एंड मीडियन लाइन कंटिन्यूसली 18 के ऊपर ट्रेड कर रही है। जब भी 18 और 20 के बीच में ट्रेड दोनों ही साथ शुरू कर देते हैं, अगर लाइन नेगेटिव है तो डेफिनेटली उसको सेल साइड जाना चाहिए। तो 177 तक का टारगेट कल अपोलो टायर्स में देखा जा सकता है अगर वो अपने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है और निफ्टी उसको सपोर्ट करता है सेल साइड में। 177 का टारगेट आप अपोलो टायर्स में देख सकते हैं। SBIN अभी तक मैं काफी स्ट्रॉन्ग था इस पर बाय साइड में, लेकिन जो SBIN को चार्ट पर दिखाना चाहिए था SBIN ने वो प्रिपरेशन किया नहीं, 273 का लेवल मेंटेन नहीं कर पाया, 271 के नीचे है। मैं SBI को सेल करूंगा, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 267, सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 266, स्टॉप लॉस में 275.80 भी यूज कर सकता हूँ। वहीं थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि उसका एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल इसी के लेवल के आसपास है, इस वजह से स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुझे बड़ा करना पड़ रहा है। अगर आप इसको 5 मिनट में कंसीडर करें SBIN को, आप चेक कर सकते हैं कि जो इसका मैक्सिमम जो इसने हाई बनाया, मैक्सिमम जो इसने टॉप बनाया है 5 मिनट में, वो 275 के ऊपर ही बनाया, तो इसी लेवल को मैंने कंसीडर रख के अपना स्टॉप लॉस सेट किया है। लेकिन बॉटम रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ट्रेड कर काफी सारी कैंडल्स जनरेट कर चुका है 273 लेवल के नीचे, तो ऑफकोर्स 273 का लेवल भी आपको मिलता है सेल के लिए, 273 बिलो भी आपको मिलता है, सेल एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। लेकिन सेफ साइड जो है वो उसका प्रीवियस जो बॉटम है 271 के लेवल के आसपास है, आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ से, तो उसी के नीचे मैंने इसका एग्जीक्यूशन दिया है। मे बी और भी ज्यादा पैनिक सिचुएशन, 255 तक का लेवल भी SBIN में देखा जा सकता है, लेकिन एज पर एज ए डे ट्रेडर अगर हम जाएंगे तो 267 तक बुक करना बहुत ही अच्छा रहेगा। 4 पॉइंट बैंग SBIN में आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा फ्रेम इसको कन्वर्ट कर दूं, थोड़ा सा 15 मिनट्स कर दूं, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। हैमर को ये ब्रेक कर चुका है, स्टॉप लॉस हिट कर चुका है बायर्स का, सो ये सेल के लिए बहुत अच्छे से रेडी है। इसको डेफिनेटली इसको लास्ट बॉक्स जो है इसका जो आप देख रहे हैं यहाँ तक इसको आना चाहिए। 267 आप इजीली देख सकते हैं, कंटिन्यूअस वॉल्यूम आप देखिए, सभी सेल का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ADX लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेल बता रहा है, RSI सेल के लिए रेडी है और AD लाइन थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप फ्रेम शॉर्ट करेंगे तो आपको AD लाइन नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिगो बहुत ही अच्छा फ्रेम सिग्नल जनरेट कर रहा है, 1674 के नीचे इंडिगो को सेल करना है, 1655 1653 20 पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस हमें 14 पॉइंट्स का यूज करना है, 1688 क्वांटिटी हम ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, मैक्सिमम 100 ट्रेड करने जा रहे हैं। एंड मुझे तो लग रहा है 1580 का लेवल इंडिगो में बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इंडिगो में मैं इतना श्योर क्यों हूं, मैं आपको चार्ट पर अगर एक बार दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ इंडिगो में बात है कि सेल साइड लिया जाए। मैं थोड़ा सा चार्ट श्रिंक कर दे रहा हूँ, टाइम फ्रेम बढ़ा दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं इसका प्रीवियस असिस्टेंस लेवल जो कि बहुत स्ट्रांग अक्यूमुलेशन इस लेवल पे हुआ था, सेम उस लेवल को यहाँ नेक्स्ट ब्रेक कर चुका है जो कि इसका 1674 1671 का लेवल है, और उसी लेवल से हमको सेल एग्जीक्यूट करना है क्योंकि प्रीवियस असिस्टेंस लेवल जो कि हाईली अक्यूमुलेशन के साथ में था उसको ब्रेक कर चुका है, तो उस लेवल के ऊपर ट्रेड करना ईजी नहीं होगा इंडिगो के लिए। तो 1674 के नीचे इंडिगो बहुत ही अच्छा सेल सिग्नल आपको दिखा सकता है, बहुत ही अच्छा सेल जनरेट कर सकता है और वॉल्यूम ऑलमोस्ट सभी ट्रेड में नॉर्मल है। एक्यूमुलेशन पीरियड अगर जा रहा होता है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा स्टॉक में होने वाला है, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है या स्टॉक से लोग पैसा निकालने वाले हैं, स्मार्ट मनी निकलने वाली है,
1580 का भी लेवल इंडिगो में देखा जा सकता है। अब ये देख सकते हैं गैप के साथ में एक बड़ी कैंडल देख सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअसली रेड कैंडल फॉर्म करते हुए अपने प्रीवियस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है। डेफिनेटली आप इसको सेल रखिए, 1674 के नीचे बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देने वाला है, सभी इंडिकेटर्स हमारे सपोर्ट में है। एस्कोर्ट बहुत ही अच्छी ट्रेड, इंडिगो के जैसा ही एकदम, मुझे एस्कोर्ट में थोड़ा सा श्योरिटी नजर आ रही है सेल साइड में। 643.40 के नीचे मैं एस्कोर्ट को सेल करने जा रहा हूँ, 636, 634, 628 तक मेरा एस्कोर्ट में टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस में 650 यूज करूंगा, क्वांटिटी मुझे मैक्सिमम 200 ट्रेड करनी है। मैं एस्कोर्ट में इतना श्योर क्यों हूं मैं आपको जरूर चार्ट पर दिखाना चाहूंगा। टाइम फ्रेम थोड़ा सा मैं श्रिंक कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि जो गैप था, ये प्रीवियस विंडो ओपन था 652 के लेवल को, उसको ऑलमोस्ट फिल किया है इसने 660 तक, और उसके बाद जचा नहीं, मतलब उस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं किया और कंटिन्यू उसने नीचे आना शुरू कर दिया है। अब जब नीचे आना शुरू कर दिया है तो फिर ये अपने प्रीवियस गैप अप के सपोर्ट पे जाके तो रुकने ही वाला है, 628 का जो लेवल है उस तक तो ये रुकने वाला ही है। तो यहाँ पर बाइंग फेल हुई है, आई मीन क्या कह सकते हैं, बायर्स यहाँ से गैप फिल होने के बाद में बाइंग कंटिन्यू हो नहीं पाई है, स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है उस लेवल के ऊपर, या आप कह सकते हैं उस लेवल के ऊपर रिजेक्शन मिला है स्टॉक को। सो सेलिंग बहुत अच्छे से बिगिनिंग इसमें हो सकती है। अगर 15 मिनट का चार्ट आप देखें कंटिन्यूस रेड कैंडल्स के बाद इस बॉक्स में उसने ट्रेड किया है, 643.40 के नीचे हमको एग्जीक्यूशन देना है इसका, जो कि इसका जो ग्रीन कैंडल है 645 का, और जिसके जितने भी प्रीवियस लेवल हैं उस लेवल के नीचे मैंने 643 बहुत सेफ सेल साइड एग्जीक्यूशन रखा है। वॉल्यूम आप चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली सेल साइड को सपोर्ट किया हुआ है। ADX लाइन परफेक्ट आपको सिग्नल दे रही है, RSI भी डाउन साइड में जाना शुरू हो चुका है, बस AD लाइन थोड़ा सपोर्ट कर रही है, लेकिन AD9 के लिए अगर आप टाइम फ्रेम थोड़ा शॉर्ट करेंगे तो आपको 50 MA के नीचे देखने के लिए मिल सकता है। एस्कोर्ट बहुत प्रॉमिसिंग ट्रेड लग रहा है, डेफिनेटली इसको टारगेट, दोनों टारगेट इसको अचीव करना चाहिए। मैक्सिमम क्वांटिटी में 200 ही ट्रेड करूंगा एस्कोर्ट में। L&T को मैं सेल करने जा रहा हूँ 1443 के नीचे, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है ये भी। फर्स्ट टारगेट मेरा 1431 रहेगा, सेकंड टारगेट 1428 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे 9 पॉइंट्स का, 1452 या 1453, एक दो पॉइंट्स का आप डिस्काउंट कर सकते हैं स्टॉप लॉस में, अगर आपको टेक्निकली लग रहा है कि हाँ मतलब चांसेस हैं अभी सेल साइड बन सकता है, निफ्टी इसको ट्रेड में सपोर्ट कर रहा है सेल साइड पर। तो क्वांटिटी में सिर्फ 100 ही ट्रेड करूंगा, और जो भी ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट होगी डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबल रहने वाली है आपको, चाहे माइनर प्रॉफिटेबल रहे आपको प्रॉफिटेबल रहने ही वाली है। स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम रहते हैं, या तो ट्रेड एग्जीक्यूट होती नहीं है, एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो आपको प्रॉफिट देके ही जाने वाली है, स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं मेरी ट्रेड्स में। तो क्वांटिटी आप जो सजेस्ट कर रहा है उसी के साथ मुझे ट्रेड करना है, उसी क्वांटिटी को मैं ट्रेड करूंगा। डेफिनेटली मैं 3,000 से 4,000 तो मार्केट से निकाल के लेके ही जाऊंगा, और 25,000 से ट्रेड करने के लिए मेरे लिए 3,000 से 4,000 डेली बहुत 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 ही बड़ा अमाउंट है। आज कोई ऑप्शन में ट्रेड नहीं क्योंकि मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, सो हम वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए ऑप्शन के लिए। बहुत ही अच्छा दो ऑप्शन मैंने चूज करके रखे हैं नेक्स्ट वीक के लिए, वो हाईली प्रॉफिटेबल हमारे लिए होने वाले हैं। 25,000 से नीचे एवरेज ट्रेडर जैसे मैं हूं अगर मेरे, तो मैं सजेस्टेड क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, इससे ज्यादा मैं अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ाऊंगा। एक ट्रेड में 1,000 से 1,500 का लॉस एक्सेप्टेबल है, मोस्टली चांसेस रहते हैं अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा अगर तो स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ज्यादा आपको लॉस देने वाला नहीं है। अगर हर ट्रेड से आपको 700 से 800 रुपए मिलते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 ट्रेड भी आपने पकड़ लिया आपको 2,000 रुपया तो मार्केट से लेके ही जाना है। स्टॉप लॉस हिट होता है फाइट नहीं करनी है, उसको जाने देना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है मीन समथिंग कुछ गड़बड़ है स्टॉक में, तभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में जाके ट्रेडिंग जीरो टाइप करेंगे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, गेम चेंजर्स टी से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फ्री ट्रेडिंग अकाउंट आपको चाहिए आप लिंक से ओपन कर सकते हैं, अपस्टॉक ज़ेरोधा फायर ये सब टॉप ट्रेंडिंग्स हैं इस टाइम पर, और बहुत ही अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ओपन कर सकते हैं, एंड आपको वीडियो वर्कफुल लगती है प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी आपको लगता है वीडियो में, एंट्री एग्जिट कुछ भी, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, गेम चेंजर्स को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडनेसडे ट्रेड, एंड डेफिनेटली सब ट्रेड रॉक करने वाली है।